बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुनव्वर अली मरी, योर सब्जेक्ट टीचर फॉर एसएसटी क्लास 5। डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर कोर्स वर्क, टुडे वी आर कवरिंग पेज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 2, क्लाइमेट एंड वेदर। सो आवर टुडेज टॉपिक्स आर ओशन करंट्स एंड रेनफॉल। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट द ओशन करंट्स। सो बेटा, ओशन करंट्स जो होते हैं वो एक बहरे समंदर के अंदर जो वहकरे होते हैं पानी के, वो होते हैं। तो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर ओशन करंट्स आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर, यानी कि हम दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर जो बहरे समंदर की जो करंट्स होती हैं, लहरें होती हैं, जो वहकरे होते हैं, वो हमारी टेम्परेचर को भी जो है वो उसके ऊपर टेम्परेचर को भी अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। द कोल्ड हम्बोल्ड करंट फ्राम द एंटार्कटिका स्वीप्स अप वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमरीका। एंटार्कटिका सर्किल के जो बहुत ठंडे जो है हम्बोल्ड करंट जो हैं, वहकरे जो हैं, वो शुमाली अमरीका के जो कोस्ट है, साहली किनारा है, उसको ठंडा रखते हैं। कीपिंग कंट्रीज लाइक पेरू, जिस तरह पेरू कंट्री है इस तरह, विच इज़ वेल विद इन द ट्रॉपिक्स, वो मतलब एक गर्म इलाकों में होते हुए भी ठंडा होता है। उसके बाद है क्वाइट कूल लीमा ओनली 12 सेल्सियस साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के जनूब में वो 12 सेंटीग्रेड हैज़ टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 माइनस टू 22 सेल्सियस, तो 16 से यानी कि 22 सेंटीग्रेड की माइनस में उसकी टेम्परेचर होती है। ऑन द अदर हैंड द गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट विच कम्स फ्राम दी वेस्ट वार्म गल्फ ऑफ मेक्सिको क्रॉसेस दी एटलांटिक ओशन, और उसके अलावा जो है गल्फ स्ट्रीम जो है हमारी, वो वहकरे जो हैं वो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि शुमाली एटलांटिक वहकरे होते हैं जो आते हैं फ्राम द वार्म गल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी कि मेक्सिको के गर्म जो है गल्फ से क्रॉसेस द एटलांटिक ओशन, जो एटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हैं। टू कीप मोस्ट ऑफ यूरोपियंस वेस्ट कोस्ट मच वार्मर देन इट शुड बी, और उसके बाद यूरोप का जो मगरबी साहिल है उसको बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं देन इट शुड बी, और ये होना भी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे ओशन करंट्स यानी कि हमारी टेम्परेचर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारा रेनफॉल, यानी कि बरसात का पड़ना। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह की नोयत को देखने के लिए बरसात का होना ज़रूरी होता है। द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000 मिलीमीटर अ ईयर, तो दुनिया का जो बरसाती वहकरे जो होते हैं, बरसात जो होता है, वो 1000 के 2000 मिलीमीटर के बीच में जो है वो मेजर किया जाता है एवरेज। तो देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस, बहुत बड़े जो है वो डिफरेंसेस हैं प्लेसेस इन एंटाकेमा डिज़र्ट। एंटाकेमा डिज़र्ट जो है यानी कि अफ्रीका का उधर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिली हैव हेड नो मेजरेबल रेन फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, सालों में जो है वो वहाँ पर बरसात नहीं होती है एंटाकेमा एंड उसके बाद ये जो है इन इलाकों के अंदर, चिली वगैरह के अंदर। एंटाकेमा इज़ नोन एज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एंटाकेमा जो है वो एक बहुत खुश्क तरीन जो है वो जगह है ज़मीन के ऊपर। ऑन द अदर हैंड चेरापूंजी इन आसाम, यानी कि इंडिया के अंदर चेरापूंजी हैड 22,990 मिलीमीटर ऑफ रेन इन वन ईयर इन 1868, तो 1861 में 22,990 मिलीमीटर बरसात जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है, अभी तक किसने नहीं तोड़ सका है वो रिकॉर्ड चेरापूंजी आसाम यानी कि इंडिया के अंदर। दिस इज़ स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी तक ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है बेटा, अच्छा, तो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है एयर प्रेशर और वेट, यानी कि हवा की दबाव और उसका वज़न। एयर मे नॉट सीम टू हैव एनी वेट, हवा की जो है
जो वेट जो होता है, वज़न जो है वो हमें दिखने में नहीं आता है, बट इट डज, लेकिन इसका होता है। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट, जिस तरह हम उसको हम उसकी वज़न को जो है वो उठाने में फील नहीं करते, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। अबोव ईच ऑफ अस इज़ अ कॉलमन ऑफ एयर सेवरल किलोमीटर्स हाई। एक्चुअली दिस कॉलमन ऑफ एयर वेट्स अबोव 230 किलोमीटर्स। तो कॉलम्स ऑफ एयर जो है 230 किलोमीटर, यानी कि अगर हम किसी भी जो है वो यानी कि पाइप के अंदर या किसी चीज़ के पाइप के अंदर हवा भरेंगे, तो वो अपनी जो है उस पाइप के अंदर उस हवा की जो है उस गैस की जो है जो वज़न है वो मतलब हमें महसूस होगा, हम फील करेंगे जब उसको हम उठाएंगे। ठीक है बेटा, तो हवा के अंदर एक प्रेशर होती है, एक वज़न होता है, और वो हम जब किसी पाइपलाइन के ज़रिए या हम किसी चीज़ में वो डालते हैं, तो वो अब उसको उठाते हैं, तब हमें वो जब हम उसको फिज़िकली उठाते हैं तो हमें महसूस होता है कि इसके अंदर जो है वो एक वेट है। अगर कभी कभार स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, तो हम एक मैदानी इलाके में खड़े होते हैं, तो जिस तरह हमें हवा तूफ़ान की हवा हमें हमसे मतलब हिट करता है हमें, तो हम जो है वो आगे पीछे होते हैं, यानी कि हम अपनी तवाज़न जो है वो बरकरार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हवा के अंदर एक प्रेशर होती है, एक वेट होता है, एक जो है मास होती है, जो हमें दिखाने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, लेकिन हम उसकी वज़न को और उसकी वेट को, उसकी प्रेशर को फील करते हैं। तो आगे इंशाल्लाह ताला जो होगा इस चैप्टर का बाकी हिस्सा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके।